हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आज आरबीआई ग्रेड बी ट्रेनिंग के बारे में आपको बताने वाला हूं। मैं काफी दिनों से इस वीडियो की प्रिपरेशन कर रहा था ताकि आपको एक बहुत अच्छा वीडियो बना के दे सकूं। आज मैंने इस वीडियो को दो हिस्सों में बांटा है दोस्तों। पहले पार्ट में जो आरबीआई ग्रेड बी ट्रेनिंग की जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है, और जो पार्ट टू है उसके अंदर लाइफ एट आरबीएससी चेन्नई यानी रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो आउटबाउंड एक्टिविटीज होती है और जो नोट प्रिंटिंग प्रेस पे विजिट होता है, उन सब के बारे में मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया। तो आप दोनों पार्ट जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड भी एक ड्रीम जॉब है, आप सभी जानते हैं। इसकी सैलरी के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, क्या कैसी जॉब होती है, क्या सैलरी मिलती है, ताकि आप मोटिवेट हो सके और अच्छी मेहनत कर सके। इसी तरह मैं आज ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको और अच्छा मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी ट्रेनिंग रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में होती है। चेन्नई में एक तेनम पेट जगह है, वहां पे रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज है। ड्यूरेशन दोस्तों, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन लगभग 3 महीने होता है, लगभग 10 से 11 हफ्ते ऐसे होता है, और लगभग लगभग सब मिला के 3 महीने ट्रेनिंग के हो जाते हैं। इसमें नॉर्मली एक बैच में 50 से 60 बच्चों को एक बार में ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आरबीआई ग्रेड बी में जैसे पिछले साल 160 अराउंड वैकेंसीज थी, तो 3 अलग अलग बैच में ट्रेनिंग हुई। फर्स्ट बैच सबसे पहले बेसिकली जब रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद लगभग 3 से 4 महीने बाद में पहले बैच को ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया जाता है, और जो टॉपर्स होते हैं, जिनका मेरिट में ऊपर नंबर आता है, उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब मेरिट के अकॉर्डिंग आरबीआई ग्रेड भी ट्रेनिंग दी जाती है, और जब ट्रेनिंग खत्म होती है उसके बाद आपको आरबीआई ऑफिसेस पोस्ट किए जाते हैं। अगर आप रीजनल ऑफिसेज में पोस्ट होते हैं तो जितने भी स्टेट कैपिटल्स हैं वहां आपकी पोस्टिंग होती है, या फिर सेंट्रल ऑफिस मुंबई में आपकी पोस्टिंग होती है। फ्रेंड्स, इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग बैच में ट्रेनिंग होती है, तो जो फर्स्ट बैच है वो तो सबसे पहले ट्रेनिंग पे जाता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड बैच को पहले पोस्टिंग मिलती है, और जब फर्स्ट बैच की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तब सेकेंड को कॉल किया जाता है और उसके बाद में थर्ड को कॉल किया जाता है। ये रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई है, जो कि चेन्नई एयरपोर्ट से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। ये आप देख सकते हैं, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज की बिल्डिंग है, ये कॉन्फ्रेंस लेक्चर रूम है, और ये आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स का हॉस्टल है। इसमें आप रहते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी ट्रेनिंग की जो सबसे अच्छी बातें हैं मैं आपको पहले बताने वाला हूं। इसमें आपको एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप आरबीआई गवर्नर के साथ में आपका इंटरेक्शन होगा। आरबीआई गवर्नर खुद रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज ट्रेनिंग में आते हैं, और एक पूरा लेक्चर उनके साथ में होता है, एक इंटरेक्शन होता है, जो वो जितने भी ग्रेड बीज हैं उनसे बात करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा मौका होता है। साथ ही इसकी सबसे दूसरी खास बात यह है कि नोट प्रिंटिंग प्रेस को विजिट करना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नोट छापने के लिए जो प्रेस है वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड मैसूर है, जिसके पास में 2 प्रिंटिंग प्रेस है। 2 प्रिंटिंग प्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है, जो कि SPM CIL के पास है, यानी सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास में, और जो 2 प्रेस है वो रिजर्व बैंक के पास में है। एक प्रेस मैसूर में है और एक प्रेस सलमोनी में है। तो मैसूर कर्नाटका में पड़ता है और रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में पड़ता है, तो एक दिन फुल डे विजिट के लिए ग्रेड बी ऑफिसर्स को नोट प्रिंटिंग प्रेस BRBNMPL मैसूर ले जाया जाता है, और वहां नोट प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद में आरबीआई ग्रेड बी ट्रेनिंग में बहुत सारी आउटबाउंड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होती है, बहुत ही अच्छे सेशंस होते हैं, गेस्ट लेक्चर्स आते हैं रेप्यूटेड मैनेजमेंट कॉलेजेस से, साथ ही कई टीम बिल्डिंग गेम्स होते हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स भी होती है रूरल एरियाज में, जो एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वहां पे एजुकेशनल ट्रिप्स होती है। मतलब कुल मिला के आप रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में जो भी टाइम स्पेंड करते हैं उसमें सिर्फ क्लासरूम लेक्चर्स नहीं होते, बाकी आउटबाउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भरा हुआ रहता है। आपको बहुत बार मौका मिलता है बाहर विजिट करने का।
साथ ही बीच में कल्चरल एक्टिविटीज होती है, जैसे अगर इंडिपेंडेंस डे उस टाइम पे पड़ा, रिपब्लिक डे पड़ा तो भी कल्चरल एक्टिविटीज होती है, या फिर कोई स्पेशल डे जैसे वुमेन्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इस तरह से कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और बीच में रेगुलरली कई बार आपको अलग अलग सीनियर ऑफिसर्स के थ्रू लंच और डिनर पे आपको इनवाइट किया जाता है। दोस्तों सबसे अच्छी बात एक और है आरबीआई ग्रेड बी ट्रेनिंग में कि आपको इतना सब कुछ एंजॉयमेंट लर्निंग के साथ साथ आपको वहां पे हॉल्टिंग अलाउंस भी मिलता है। नॉर्मल हॉल्टिंग अलाउंस की रेट है 1800 रुपए पर डे, यानी 1800 रुपीज पर डे, लेकिन रिजर्व बैंक में आपको वहां रहना खाना सब प्रोवाइड किया जाता है, तो उस केस में सिर्फ 25% ही उसका हॉल्टिंग अलाउंस, यानी 450 रुपीज पर डे आपको हॉल्टिंग अलाउंस भी दिया जाता है ट्रेनिंग के साथ साथ। ट्रेनिंग के टाइम पे दोस्तों सैलरी पर्क्स सभी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, हॉल्टिंग अलाउंस उसके अलावा है, यानी आपको सैलरी भी मिलेगी, आपको सारे पर्क्स मिलेंगे ट्रेनिंग स्टार्ट होते ही, मतलब ज्वाइनिंग स्टार्ट होते ही, और साथ में ट्रेनिंग पीरियड में आपको हॉल्टिंग अलाउंस भी मिलेगा। दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जो आरबीएससी ने तय कर रखे हैं, ये 5 अलग-अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड है, मतलब आपकी ट्रेनिंग भी 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड है। सबसे पहला है फाउंडेशन मॉड्यूल, इसमें सारे लेक्चर्स वगैरह होते हैं, केस स्टडीज, असाइनमेंट्स और उनका इवेल्युएशन होता है। बीच बीच में जो रेप्यूटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है और जो दूसरे ऑफिसर्स हैं आरबीआई के सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो एज अ फैकल्टी आपको ट्रेनिंग देने आते रहते हैं, आपकी क्लास अटेंड करने आते रहते हैं। दूसरा है फंक्शनल मॉड्यूल, जिसमें आरबीआई के फंक्शन से रिगार्डिंग, आरबीआई में कितने डिपार्टमेंट है, आरबीआई कैसे काम करता है, ये बताया जाता है। तीसरा है एक अटैचमेंट मॉड्यूल है, अटैचमेंट मॉड्यूल एक तरह से अटैच्ड है, मतलब आपको आरबीआई के साथ साथ दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, इनके बारे में बताया जाता है, साथ ही आपको विजिट भी करवाया जाता है जो कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस होती है, ताकि आप कमर्शियल बैंक्स कैसे काम करते हैं ये देख सकें। इसके साथ ही रूरल इमर्शन प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके अंदर आपको जो एनजीओज हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो कैसे काम करते हैं, उनके साथ में एक दिन का पूरा विजिट होता है। चौथा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के अंदर दोस्तों बेसिकली पोस्टिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, यानी जैसे अगर आप फर्स्ट बैच में ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, मतलब जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हुई है उसके अंदर आपको जाते ही आपसे काम नहीं करवाया जाएगा, 3 से 4 हफ्ते या लगभग 1 महीने तक आपको उस डिपार्टमेंट के जितने भी अलग अलग सेक्शंस हैं वहां पे आपको उस काम की जानकारी दी जाएगी जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी। और जैसे अगर आप सेकेंड बैच में हैं तो आपको पहले पोस्टिंग दे दी जाएगी, आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग पहले स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में। इसके बाद में सबसे लास्ट में है सॉफ्ट स्किल मॉड्यूल, आरबीआई में 1 साल कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको दोबारा रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में बुलाया जाएगा, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, टीम बिल्डिंग और लीडरशिप क्वालिटीज है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, इनको इम्प्रूव किया जाए। ये ट्रेनिंग दोस्तों फुली आउटसोर्स है, मतलब इसमें सारी फैकल्टी आउटसाइडर्स होती है, आरबीआई की कोई फैकल्टी नहीं होती है, और जो आईएएम्स वगैरह हैं, जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां से आपको फैकल्टीज, प्रोफेशनल्स आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने से रिगार्डिंग आपको लेक्चर्स देते हैं। दोस्तों ये कुछ फोटोज है जो आरबीआई ग्रेड बी ट्रेनिंग के दौरान ली गई है, इसमें इंटरेक्शन विद गवर्नर है कि जब गवर्नर आते हैं, जैसे डॉक्टर रघुराम राजन जब ग्रेड बी ट्रेनीज के साथ में इंटरेक्शन करने आए थे, ये वो फोटोज है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनजीओ में जो ग्रेड बी ट्रेनीज विजिट करते हैं, ये वो वाली फोटोज है दोस्तों। अब दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैंने बताया है लाइफ एट आरबीएससी, ये वीडियो आप जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा।